हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीदों के इस दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने 2D 3D के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप सोच रहे होंगे उम्मीदों का दौर हमने क्यों बोला। उम्मीदों का दौर हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उम्मीद लगी हुई है कि कब लॉकडाउन खत्म होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वो तो किसी ना किसी दिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द खत्म हो ही जाएगा, लेकिन हमारी शिक्षा पर कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसी कदम को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आगे बढ़ाई जा रही है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्यारे से टॉपिक सर्कल पर। किस पर? सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। क्या चीज? वृत्त। एक बात ध्यान से समझ करके रख लो, ठीक है क्या। यहाँ पे अगर 2D से क्वेश्चन बनता है, एरिया एंड पेरिमीटर से क्वेश्चन बनता है, तो ट्राइंगल को अगर हम छोड़ दें, अगर हम ट्राइंगल को छोड़ दें, तो आप चाहे तो क्वाड्रिलेटरल ले लो, चाहे तो कोई भी आप हेक्सागन वगैरह के बारे में भी अगर बात करना चाहो, या फिर सर्कल वगैरह को भी अगर हम इंक्लूड कर ले, तो ये ध्यान रखिएगा 80% क्वेश्चन जहां से आने के चांसेस बनते हैं वो सर्कल है। सर्कल से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो जीवा वगैरह के बेसिस पे जहां पे आप ज्योमेट्री में क्वेश्चन पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कॉपी पेन लेकर के भाई बैठ जाओ और जो कुछ हम बताते जा रहे हैं उसको समझ करके नोट डाउन करते जाना। ठीक है, नोट जरूर प्रिपेयर करते रहिएगा क्योंकि नोट्स जो होंगे वो आपको इन चीजों को रिविजन करने में सहायक होंगे। ठीक है, हर बार आप भूलेंगे नहीं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सर्कल, बात वृत्त की है। वृत्त होता क्या है? ये कोई एक वृत्त है। ठीक है, वैसे बिल्कुल परफेक्ट बन गया हाँ, और ऐसे परफेक्ट नहीं बनेगा, धीरे धीरे आगे की जब क्लास चलती रहेगी, राइटिंग स्पीड थोड़ा तेज होती जाएगी, तो अभी ये सर्कल बना है, बाकी पता नहीं सर्कल तो नहीं बनेगा, बाकी कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, शायद एलिप्स बन जाए, दीर्घवृत्त। हाँ, चलिए सुनिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्कल और स्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस है। सर्कल मतलब वृत्त और स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। जो सर्कल है वो 2D आकृति है। वो कैसी आकृति है? 2D आकृति है। ठीक है, लेकिन जो स्फीयर है, गोला है, वो 3D आकृति है। कैसी आकृति है? 3D आकृति है। पहली क्लास में ही हमने आपको समझाया था ये चीज कि जो 3D आकृतियां होती है उनको हम लोग किस तरीके से पहचान पाते हैं और जो 2D आकृतियां होती है उनको किस तरीके से पहचान पाते हैं। हमने आपसे ये बात बोली थी कि अगर किसी भी कोई भी अगर आपको आकृति दे दी जाए, कोई भी आपको कुछ भी मीन्स कोई भी चीज दे दी है, जैसे कि सब कुछ कर लो, हमने यही आपको इसी का एग्जाम्पल दिया था। तो हमने आपसे बोला था कि अगर हम इसके अंदर कुछ कंटेन कर ले, अगर हम इसके अंदर कुछ रख ले, तो फिर क्या होगा, ये 3D आकृति हो जाएगी। और सपोज कर लो भाई बोर्ड के ऊपर हम कुछ अभी रख सकते हैं क्या? सपोज कर लो इसको रख देंगे तो क्या ये रखेगा? नहीं, ये गिर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी चीज के अंदर कुछ कंटेन कर लेते हैं तो वो कैसी आकृति हो जाती है? 3D आकृति हो जाती है। अब गोला क्या है? गोला जो है वो आप जानते हो जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर एयर भरी होती है, फुटबॉल के अंदर एयर भरी होती है, तो वो क्या गोला क्या होगी? 3D आकृति होगी। लेकिन वृत्त के अंदर आप कुछ भर सकते हैं क्या? आप लोग जैसे कि सपोज कर लो चूड़ी या फिर चूड़ा पहनते, जो गर्ल्स होंगी वो चूड़ियां पहनते होंगे, जो लड़के होंगे वो चूड़ा पहनते होंगे। ठीक है, तो क्या वो उसमें कुछ अंदर कंटेन किया जा सकता है क्या? नहीं ना, वो तो एक रिंग के टाइप में होता है, रिंग के टाइप में होता है ना। जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास छल्ला है, तो इस छल्ले का शेप कैसा होगा भाई? राउंड में होगा, मतलब सर्कल बेसिस पे होगा। तो इसके अंदर हम कुछ कंटेन कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर हमने इसको उंगली को जरूर कंटेन करके रखा है, तो ये मत बोल देना। ठीक है, चलिए, तो सर्कल कैसी आकृति है? 2D आकृति है। गोला कैसी आकृति है? 3D आकृति है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर्कल के बारे में। अब जरा इसको हम हटा देते हैं, हाँ ध्यान समझिएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो ये है क्या? ये है सर्कल। अब देखो जरा, हमें सर्कल के बारे में बात करनी, सर्कल में हमें दो चीजों बात करनी है। एक तो बात करनी है हमें परिमाप पर। किस पर? परिमाप। एक बात ध्यान रखिएगा, सर्कल का जो परिमाप होता है हम उसी को नाम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? उसी को नाम क्या देते हैं? परिधि। तो परिमाप को बोलते हैं पेरिमीटर और परिधि को बोलते हैं सर्कम।
सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस। तो हमें सरकमफ्रेंस पे बात करनी है या फिर परिमाप पे बात करनी है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं। अच्छा, एक जो सर्कल होता है तो सर्कल में कहीं ना कहीं एक केंद्र भी तो होगा, क्यों, कहीं ना कहीं एक केंद्र भी तो होगा। तो सपोज कर लो ये केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र, और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल की परिधि। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल की परिधि। इसे क्या बोलते हैं? सर्कल की परिधि। ये सेंटर था, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है सर्कल का एरिया। ये क्या होता है? सर्कल का एरिया। हम धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी चीज पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। उससे पहले हम परिमाप, परिमाप का कुछ भी फॉर्मूला अभी आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, होता क्या है, सपोज कर लो हम लोग बात करने वाले हैं चाप के बारे में। हम लोग बात किसके बारे में करने वाले? चाप। तो चाप होती क्या है? चाप को हम लोग आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हम जरा आर्क को देखें। आर्क क्या होती है? अच्छा, केंद्र से आप चाप कैसे काटते हैं? आप चाप कुछ इस तरीके से काटते होंगे, यहां पे ये प्रकार वगैरह कुछ इस तरह से पकड़ते होंगे, और आप किस तरीके से चाप काटते हैं ना, क्यों। तो जैसे कि सपोज कर लो हमने यहां पे इस वृत्त से एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया ए, इस बिंदु को नाम दे दिया बी। तो हमने क्या किया था, जब हम चाप को इस तरीके से खींचते हैं, जब हम कभी भी चाप को इस तरीके से खींचते हैं, तो चाप किधर की तरफ जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ था और ये लास्ट पॉइंट था, तो इसका जो एरो का साइन बनाएंगे वो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो देखो हमने क्या किया, हमने ए से लेकर के बी तक की कोई एक चाप खींचा था, क्या, ए से लेकर बी तक। होता क्या है, जब आप सर्कल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, जब आप सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो ये गतिमान कहां से होता है, इधर से, ये यहां से मौसम में आया था, मतलब इधर से ये चलते चलते ये कहां तक मिल जाएगा, इधर। अच्छा, हमने यहां पे क्या किया था, यहां पे हमने ए पॉइंट पे रखा और इस तरीके से प्रकार को, डिवाइडर को घुमा दिया, तो यहां पे हमने ये एरो बनाया, तो ये इधर बना दे और ये इधर बना दे, तो ये इधर इस तरीके से, मतलब ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखो भाई यहां पे हमें क्या है, यहां पे हमें दो तरीके के चाप मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है लघु चाप, एक कौन सा मिल रहा है, लघु चाप मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है दीर्घ चाप। दूसरा क्या मिल रहा है? दीर्घ चाप। तो लघु चाप क्या होता है, जो छोटा होगा, क्या होगा, जो छोटा होगा। तो ए बी, ए से लेकर के बी, ए बी, आप क्या करते हैं, जो चाप होता है, चाप को आप लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ए बी के भी ऊपर कुछ इस तरीके से हम चांद के जैसा साइन बनाते हैं और उसमें एरो लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए से लेकर के बी तक, कहां से, ए से लेकर के बी तक, ये क्या है, ये लघु चाप है, ये छोटा चाप है। अगर हम बात करें दीर्घ चाप के बारे में, लघु चाप को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और दीर्घ चाप को हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क, ठीक है। तो देखो दीर्घ चाप क्या होता है, दीर्घ चाप ये है, जब हम बी से लेकर के कहां तक पहुंच जाए, ए तक पहुंच जाए, बी से कहां तक, ए तक पहुंच जाए, तो आप बी से लेकर के ए तक ये चाप का साइन बना देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप दीर्घ चाप को ये नहीं बोल सकते हो कि ए से लेकर के बी तक, नहीं, हम ए से लेकर बी तक की इधर से कहते, ठीक है, उल्टा आप नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर हमने सपोज कर लो सिंबल अगर इस तरीके से बना दी होते, कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो फिर क्या होता, तब की कंडीशन पे ये जो बी ए होता वो माइनर आर्क बन जाता और मेजर आर्क क्या हो जाता, ए बी, ए से लेकर के बी तक की, तब की कंडीशन पे क्या हो जाता, मेजर आर्क हो जाता, अगर हमने इनके सिंबल्स ये एरो क्या कर दिए होते, उल्टे कर दिए होते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये आर्क, ये चाप होता क्या है, कंफर्म। चले आगे बढ़े, हम एक काम करते हैं, हम इसको जरा हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें बात क्या करनी, इस सर्कल को भी जरा हटा दे, एक दूसरा अच्छा सा सर्कल ले लेते हैं, वैसे इससे अच्छा तो बनने वाला है नहीं, आपको भी पता है, क्यों नहीं बनाना उससे अच्छा, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करने वाले हैं भाई सर्कल सेगमेंट के बारे में, किसके बारे में, सर्कल सेगमेंट के बारे में। सर्कल सेगमेंट का मतलब होता है वृत्त खंड, वृत्त खंड। तो देखो ऐसा है, ये पूरा एक वृत्त है, ये क्या है, ये पूरा एक वृत्त है।
हमें क्या करना है, वृत्त से एक खंड काटना है, एक पार्ट काटना है, एक सेगमेंट काटना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल सेगमेंट। तो सपोज कर लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे एक पॉइंट रखा और आरी चला के काट लिया। अब कुछ भी कर सकते हो, आरी से काट लो या फिर ऐसे काट लो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे एक वृत्त का खंड है। ये पूरा कोई एक वृत्त था, इस वृत्त से हमने इतने पार्ट को क्या किया है, काट लिया, तो ये क्या हो गया, वृत्त खंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहीं पे हमें बात करनी है त्रिज्य खंड के बारे में। किसके बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सुनो भाई, सेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम किसी केंद्र बिंदु से, कहां से, किसी केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से आप क्या करें, कोई दो पॉइंट ले लें। अच्छा, हम इसको हटा दें, ठीक है, ताकि आप यहीं पे अच्छे से समझ लें। इसको हमने हटा दिया, हाँ, ये हमने ए पॉइंट दे रखा था, ये हमने बी पॉइंट दे रखा था, ठीक है। तो अगर हम इस केंद्र से इसको और इस पॉइंट को मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा। तो जो ये एरिया है ओ ए बी, वो क्या है, सेक्टर है। वो क्या है, सेक्टर है। और जब हमने इस तरीके से कुछ बनाया था, तो ए, यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो, पी, तो ए पी बी, ये जो ए पी बी वाला एरिया था, ये क्या था, ये वृत्तखंड था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो त्रिज्य खंड से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये चीज समझनी होगी। सेक्टर से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं ताकि आपको ये जो फंडामेंटल, ये जो कुछ चीजें हैं, ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। तो हम इसको हटा दें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सर्कल तो पढ़ा है, सर्कल क्या, पर सर्कल पढ़ा है, लेकिन जैसे ये सर्कल होता है, ठीक है, तो सर्कल में ही है क्या, अगर आप बात करना चाहो सेमी सर्कल के बारे में, तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। देखो, हम सेमी की स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं, हाँ, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। जब बहुत दिनों से इंग्लिश से नाता टूटा हुआ हो, तो इंग्लिश इसी तरीके से बिहेव करती है, क्यों, फिर हेलो की जो स्पेलिंग होती वो एच ई डबल एल ओ नहीं निकलती है, बल्कि एच एल डब्ल्यू निकलती है, क्यों, ऐसा है ना। वेलकम की जो स्पेलिंग होगी वो डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई नहीं निकलती है, बल्कि ये निकलती है, क्यों, ऐसा होता है ना। मैसेज पे, हाँ, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, चलो ठीक है भाई। सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त। अच्छा, ये क्या है, ये पूरा वृत्त है, और वृत्त का जो ये आधा भाग होगा, वृत्त का जो ये आधा भाग होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेमी सर्कल बोलेंगे, अर्धवृत्त। बात समझ में आ गई, तो इतना तो आपको पता ही था। अब चलिए हम लोग बात करने वाले हैं अच्छी अच्छी चीजों पर, ठीक है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट होते हैं। तो आपको अब क्लास को छोड़ना नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से देखो, समझो, ठीक है। अब मेरा सर्कल तो भाई बनने वाला है ही नहीं, हाँ, अगर हम प्रकार वगैरह लेके बैठेंगे तभी बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, तीसरी बार बनेगा क्या, हाँ, तीसरी बार थोड़ा बहुत ठीक बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है भाई परिमाप की। परिमाप क्या होता है, परिमाप जो, परिमाप आप बोलो या फिर परिधि बोलो, तो परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2πr, क्या होती है, 2πr, ठीक है। तो परिधि निकालने के लिए हम लोग 2πr का यूज करते हैं, परिधि को हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग सर्कम बोल देते हैं, हाँ। सपोज कर लो आपसे कोई एक क्वेश्चन बोल देता, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की सर्कम क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी, सभी एक जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बता दो। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर
तो कभी कभी हम लोग 3.1432 वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 3.14 भी होती है। अच्छा रेडियस, रेडियस कितनी रखी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस को ऐसे रख दो, 7 से बात करो कितने बार, 2 बार, 22 का गुणा 4 से करा देना, 4 × 8 और 4 × 8 मतलब 88 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, सर्कमफेरेंस आ गई। अच्छा यही पे एक और छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे अब हमने कर दिया क्या है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप जानते हो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हमें यहाँ पे आर रखना है ना, हमें क्या रखना है यहाँ पे आर रखना है, तो आर के प्लेस पे हम 14 की जगह कितना रख देंगे भाई, 7 रख देंगे, 7 से देखो 7 कट जाएगा, 22 × 2 कितना आंसर आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना, तो परिमाप तो सीख लिया। अच्छा परिमाप से ही हम लोग यहाँ पे एक और छोटी सी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, चाप निकालने की, क्या चीज, चाप निकालने की, ठीक है। ये बताओ आपने परिधि पढ़ रखा है कितना होता है, 2πr होती, कितनी होती, 2πr। हम बात करने वाले हैं यहीं पर अब किसी चाप के बारे में, तो सपोज करो ये कोई चाप था ए से लेकर के बी तक, ठीक है, माइनस आर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चाप या फिर आर, ध्यान रखिएगा यहां पे हम लोग चाप की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ए से लेकर के बी तक है, इस चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई, एल ई एन जी टी एस, लेंथ ऑफ आर्क। एक बात बताते हैं, जो 10th की एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क गलत दी हुई है, उसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है और जो फॉर्मेशन बोली गई है, फॉर्मेशन बताई गई है, वो पैरामीटर की बताई गई है, चाप का परिमाप की बताई गई। ध्यान रखिए चाप का परिमाप और चाप की लंबाई दोनों अलग अलग चीज है, अभी हम आपको समझा देंगे, समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा वहां पे एनसीईआरटी की बुक में गलत दिया हुआ, ठीक है, याद आ गया आपको बता दिया। तो अगर छोटा कोई भाई बहन हो जो कि 10th वगैरह में पढ़ रहा हो तो उसको थोड़ा सा इन चीजों पे के बारे में नॉलेज आप दे सकते हो, ठीक है, अगर देना है तो फिर अच्छे से पढ़ लो। लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करनी, अच्छा हम जानते हैं ये किसी, जब भी कोई भी चाप काटा जाता है तो वो किसी ना किसी एंगल से काटा जाता है, कि हमें अगर 60° का एंगल काटना तो आप कुछ इस तरीके से बना देते, यहां से कुछ इस तरह से ऐसे इस तरीके से रचना कर देते हैं, ठीक है, यहां से रख के ऐसे काटते थे, ठीक है। तो जो भी हमने ये चाप काटा है वो किसी ना किसी हमने एंगल के बेसिस पे ही तो काटा है, क्यों, एंगल के बेसिस पे ही काटा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पे मान लेते हैं कि ये जो चाप है वो थीटा एंगल पे काटा गया है, कितने एंगल पे काटा गया, थीटा एंगल पे काटा गया है। अच्छा हमें सिर्फ और सिर्फ इस परिधि के पूरे भाग में से सिर्फ इतना भाग बताना है, इस परिधि के पूरे भाग में से सिर्फ इतना भाग बताना है, क्यों, अच्छा हमें एक बात बता दो, अगर ये थीटा को हम अगर पूरा घुमा देते तो ये पूरा कितना होता भाई, 360° होता, कितना होता, 360° होता। अगर ये 360° के बारे में बात करेंगे तो फिर यहां से परिधि यहां से चलना स्टार्ट होगी और यहां तक की जाएगी, तो परिधि की लंबाई कितनी होगी, 2πr। कहने का मतलब क्या है कि ये जो थीटा, जो हमारा एंगल होगा, जो हमारा संपूर्ण कोण होगा, वो 2πr को डिनोट कर रहा होगा, तो 360 बराबर किसके, 2πr के हम बोल सकते हैं। तो हमारी ये थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें चाप की लंबाई बतानी है ना, अगर इस चाप की लंबाई बताई तो आप थीटा की वैल्यू पूछो, तो अगर हम थीटा की वैल्यू पूछे तो फिर क्या होगी, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू, ये एक नियम है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप परसेंटेज की क्लास 1 को देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ तो अभी हम इसको फिर से रिपीट नहीं करने वाले, वैसे आपको अच्छे से पता होगा, 10 रुपए में अगर 20 आम तो 25 रुपए में कितने आम, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। तो 360 बराबर 2πr, तो थीटा बराबर किसके, थीटा बाय 360 इनटू 2πr। तो ये जो थीटा की वैल्यू आई है यही क्या है, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई कितनी आ गई, थीटा बाय 360 इनटू 2πr, चाप की लंबाई कितनी है, थीटा बाय 360 इनटू 2πr। चलिए अच्छा यहीं पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, इधर ऊपर लिख ले, हाँ डेली यहीं पे सवाल लिखते हैं, कभी कभी नीचे की लाइन भी कहीं गायब हो जाती है, क्यों, आज ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है।
चलो भाई देखो, हमने एक सवाल लिया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश के कटे हुए चाप की माप क्या होगी? ठीक है, तो 60 अंश का कोई चाप कटा है, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 60। तो हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे? 60, और बटे में कितना लिखा हुआ है? 360। अब यहां पे वैल्यू रख दो तो 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी बोली हमने आपसे? 60 बोली। कितनी बोली? सॉरी, आर की वैल्यू कितनी बोली है? 42 बोली, तो 42 रख दो। अच्छा, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटो कितने बार? 6 बार। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, 7 और 6 7 6 42, तो इस 42 से ये 42 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44। कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इस चाप की लंबाई कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर हमें एक दूसरा सवाल बनाना होता तो हम क्या बोलते? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या की जगह व्यास कर देते। व्यास अगर 42 रखा होता तो यहाँ पे हमें कितना रखना होता भाई? 21 रखते, तो 7 से भाग कराते 3 बार, 3 से इसको काट रहे तो 2, 2 से 2 कट जाता, आंसर उस कंडीशन में कितना आ जाता? 22 आ जाता। कितना आ जाता? 22 आ जाता। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, यही पे हम अगली चीज भी सीख ले रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि हमें सिर्फ उस चाप की लंबाई के बारे में बात नहीं करनी है। चाप की लंबाई को आपने सीख लिया था कि चाप की जो लंबाई होती है वो θ/360 × 2πr होती है। कितनी होती है? चाप की लंबाई होगी θ/360 × 2πr। हमें बात किसके बारे में करनी है? हमें बात करनी है पेरिमीटर ऑफ आर्क। ठीक है, ये जो हमने चाप काटा है, ये जो हमने चाप काटा है, इसका परिमाप क्या होगा? और आप ये पेरिमीटर ऑफ आर्क ना बोल के यहां पे हम जरा पेरिमीटर ऑफ सेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेरिमीटर ऑफ सेक्टर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया बनेगा वो एक सेक्टर बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा, तो हमें इस त्रिज्यखंड के परिमाप के बारे में बात करनी। सुनिएगा, इस सेक्टर में जो परिमाप बनेगा, परिमाप क्या होता है? सम ऑफ आउटर लाइंस। क्या होता है? सम ऑफ आउटर लाइन। तो सम कैसे बनेगा? पहली बात, ये हम इसको ऐड करें। क्यों हम इसको ऐड करें? इसके साथ में ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसको, इस त्रिज्या को और इस त्रिज्या को भी तो हमें ऐड करना होगा। जब हम इन दोनों बार त्रिज्याओं को ऐड कर लेंगे तभी तो परिमाप निकलेगा। तो सेक्टर सेक्टर का पेरिमीटर बताने के लिए हमें क्या करना होगा? चाप AB की हम लंबाई बताएं और साथ ही साथ 2 बार रेडियस को ऐड करें, तो पेरिमीटर ऑफ सेक्टर कितना बन जाएगा? आप पहले चाप को रख लो, तो θ/360 × 2πr और प्लस ये आर, तो फिर कितना हो जाएगा? 2r। कितना? प्लस में 2r भी ऐड कर देंगे तो ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा, परिमाप निकल आएगा किसका? त्रिज्यखंड का। ठीक है, देखो भाई यहीं पे एक सवाल बना लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर तो उसके केंद्र पर 60 अंश के कटे हुए चाप की माप क्या होगी? अब हम यहां पे बोल देते हैं उस पर कटे हुए 60 उसके केंद्र पर 60 अंश के कटे हुए त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? ठीक है, आपसे यहां पे क्या पूछा है? पेरिमीटर पूछा है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? उसी तरह सॉर्ट आउट कर लेंगे, थीटा के प्लेस में कितना? 60, और बटे में कितना? 360 × 2 पाई के प्लेस में कितना रखोगे? 22/7। रेडियस के प्लेस में कितना रखोगे भाई? 42 रखोगे, प्लस 2 × r, तो 2 × r के प्लेस में कितना? 42, तो 42 रख दो। ठीक है, 60 से काटोगे 6 बार, 6 और 7 42, 42 दूनी कितना? 84, और 42 दूनी कितना? सॉरी, 22 दूनी होता 44 और 42 दूनी कितना? 84। बस ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लोगे ना तो 4 4 कितना? 8, और 8 4 12, तो कितना आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ रहा होगा? 128 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये पेरीमीटर के बारे में बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अच्छा अभी तक ये हमने जितनी भी बातें की हैं वो बात की है पैरामीटर के बारे में, परिमाप के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जरा क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में। चलो फिर से वही चीज बन गया ना। चलिए देखिए, अब हमें बात करनी है एरिया के बारे में। पहली बात, एरिया ऑफ सर्कल। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हो इस वृत्त का, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर जो है वो त्रिज्या है, आप जानते हैं। सपोज कर लो यहीं पे हमने कोई छोटा सा क्वेश्चन बोल दिया, क्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास बोलते थे, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फिर देखो भाई क्या होगा, पाई के प्लेस पे कितना रखेंगे? 22/7 रेडियस। रेडियस कितनी हम रखेंगे? 14 व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा होगा, तो 7 × 7 7 से 7 कट जाएगा और 22/7 154। कितना? 154। हमें एरिया बताना है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा आप एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में तो बात कर चुके हैं, आप एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। हमें क्या करना है, हम अगर किसी त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं, तो वो पक्का है किसी न किसी एंगल से कटेगा, अगर एंगल से कट रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। क्या बताना है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए जरा हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने वहां पे परिमाप सीखा था, आपने लेंथ ऑफ आर्क सीखी थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्षेत्रफल भी सीखना है। आप हमें एक बात बता दो, अगर ये थीटा सिर्फ और सिर्फ इतना ना होता बल्कि ये पूरा कंप्लीट होता तो ये टोटल कितना होता? 360 के बराबर होता। अच्छा ये जो 360 के अगर बराबर हो जाता तो हम ये पूरा एरिया कवर कर रहे होते, और जब पूरा एरिया होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब कितना? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 360 की जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है भाई? पाई आर स्क्वायर हो सकती। तो हमें क्या करना है, हमें त्रिज्यखंड के लिए निकालना है, तो त्रिज्यखंड जो होगा वो किसी ना किसी एंगल पर कटा होता है, तो एंगल यहां पर कितना दिया है? थीटा दिया है। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है? थीटा की वैल्यू जल्दी से एडिट नियम लगा के निकालो, थीटा ऊपर 360 नीचे इंटू पाई आर स्क्वायर, बस ये आ गई है क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की फॉर्मेशन। कितनी? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आपसे वहां पे अभी हमने आर्क की लेंथ निकालने में बोला था, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या निकली थी? लेंथ ऑफ आर्क आपके सामने निकली थी कि थीटा बाई 360, वहां पे 2 पाई आर का हमने मल्टीप्लीकेशन कराया था। किसका कराया था? 2 पाई आर का। मतलब ये जब लेंथ के बारे में बात करेगा तो परिमाप का गुणा करा दोगे, और जब क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर का गुणा करा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ थीटा बाई 360 दोनों में है, मल्टीप्लाई में चलेगा, इतनी बात कंफर्म ना? तो एक काम करते हैं, हम जरा इसको हटा देते हैं और यही से एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं। बोला गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, चलो 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल यहां पे चेंज कर रहा हूं। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तथा वृत्त के केंद्र से 30 अंश के कोण पर कटे हुए एक चाप, कटे हुए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सुनो भाई हमें क्या करना है, इसी में रख देना है। थीटा की वैल्यू कितनी? 30 अंश। यहां पे नीचे कितना? 360 × पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 आपको पता है। रेडियस कितनी रखनी? 14। सॉरी वहां पे व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। और स्क्वायर है तो 2 बार
एक सेवन से एक सेवन कट गया, ठीक है भाई कट जाना दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तीन से भागता हूँ कितने बार, बारह बार, और बारह में यहाँ पे देखो दो से कट जाएगा कितने बार, छह बार, दो से कट जाएगा ग्यारह बार, तो ग्यारह सत्ते सत्तर और बटे में कितना है छह, तो सत्तर बटे छह वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, आ गई है ना। अब हम लोग जरा आगे बढ़े, तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो इसको हम रेस के दे रहे हैं, आपको करना क्या है, एक मिनट के लिए जरा वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करके जितनी भी हमने अभी तक की चीजें पढ़ाई हैं वो सभी तुरंत रिवीजन कर डालो, वो सभी चीजें आपको क्या करनी है, तुरंत रिवीजन कर डालनी है, ठीक है। इतना जो पढ़ लिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार रिवीजन दे दो, और उसके बाद फिर अभी हम तुरंत स्टार्टिंग में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। चले अब आगे बढ़े। अब देखो हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई वृत्त दिया होता है, और अगर उस वृत्त में हम एक अर्धवृत्त बना दें, तो आपसे क्या बोलेगा कि भाई किसी वृत्त की त्रिज्या कुछ दे दी जाएगी और उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोल देगा, क्या किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या फिर 14 सेंटीमीटर, जो भी दे दे, तो आपसे बोलेगा क्या कि उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो यहां से तो कुछ भी नहीं बताना है ना आपको, क्यों यहां से तो कुछ भी नहीं बताना है, तो हम इसको तुरंत भाई जल्दी से अलग कर देते हैं, ठीक है। एक फिर से आप जरा खूबसूरत सा वृत्त बनाने की कोशिश कर लेते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, वैसे इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में खूबसूरत ही बोलेंगे, ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि ये जो वृत्त बना है ये खूबसूरत बना है कि नहीं बना है, ठीक है। और एक बात है, आपको जब हमने क्लासेस में पढ़ाया होगा तो वहां पे इतना खूबसूरत तो वृत्त नहीं बनता होगा जितना आज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो शायद आप लोगों से खुश हो इसलिए अच्छा बन रहा है। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने केंद्र ले रखा है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये एक त्रिज्यखंड हमने काट रखा है, ठीक है। त्रिज्यखंड थोड़ा छोटा बना है लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ा है, ए और बी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट, ध्यान से समझना, यहाँ पे होता क्या है, अक्सर सवाल सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले में ही पूछ दिया जाता है, बोलते हैं चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन बोलोगे बताओ भाई इसमें से कौन सा सही है, और ये जो त्रिज्या होगी ये इसकी आर दे दी जाएगी, कितनी दे दीजिएगा, आर त्रिज्या दे दी जाएगी, और जो एंगल बोला जाएगा वो थीटा बोला जाएगा। तो सपोज कर लो अगर हमें ये इस सर्कल सेगमेंट का एरिया बताना है तो फिर हम क्या करें, चलो भाई जरा ध्यान से समझो। पहली बात, इसका हमने डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अगर हम बात कर ले कि हम इस बिंदु को इससे मिला दें और इस केंद्र बिंदु को यहां बी से मिला दें, तब की कंडीशन क्या होगी, चलो भाई देखो। अच्छा यहाँ पे आपसे बोला गया था अभी कि यहाँ पे एंगल दिया जाएगा, तो एंगल हमने कितना दे दिया थीटा, और अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिज्या की, ये त्रिज्या दे दी गई है आर, ठीक है। तो आर त्रिज्या के वृत्त पे जहां पे थीटा कोण से 60 अंश 30 अंश कुछ इस तरीके से कोण दिया है, तो बोलेगा कि वहां पे भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये सर्कल सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा। चले स्टार्ट करें। चलो भाई देखो यहां पे है क्या, ये त्रिज्या दी, ये एंगल दिया, ठीक है। अब हमें इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हम करें क्या, ध्यान से सुनिएगा, आपने ये सीख रखा था कि अगर हम ये इस त्रिज्यखंड में से, ये त्रिज्यखंड, तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अगर हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, कौन से, ये जो त्रिभुज ओ ए बी बना हुआ है, इस हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दें, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें सर्कल सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए बी वाला, यहां पे आप कोई नाम दे दो पी, हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी में से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाना है, तो ए ओ ए बी ये हमें हटाना है, ठीक है, इसका हमें एरिया हटाना। चलिए जरा बात करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में ये चीज रन के मत चले जाना, तुरंत दिमाग लगाना, फिगर बनाना और फॉर्मूला तुरंत जनरेट कर लेना, कैसे, देखो ओ ए पी बी, अच्छा इसका जो हमने अभी अभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताया वो कितना बताया, थीटा बाई 360। एरिया निकालना है तो फिर क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस लगा माइनस लगा दो। अब यहां पे है क्या,
ये देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात, आधार नहीं दिया है ना तो ऊंचाई दी है, लेकिन आपको हमने सर्कल की जो त्रिभुज की जो पहली क्लास हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको आइसोस्केल्स ट्राइंगल पढ़ाया था। एरिया एंड पेरीमीटर की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने आपको ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया था। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल में हमने आपको ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा कुछ दिया हो कि एंगल दिया हो और सिर्फ त्रिज्या दी गई हो, मतलब उसकी एक एक साइड दी गई हो, तब उस कंडीशन पे हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वहां पर हमने आपको बताया था 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा, यही तो बताया था 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। तो आप इसको लगा सकते हो कि यहाँ पे a के प्लेस पे कितना है r, तो हम क्या करें r स्क्वायर साइन थीटा लगा दे, तो इसको r स्क्वायर साइन थीटा लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा ये भाई बन गया है क्या एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट, किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है चलो, अच्छा यहीं पे हम एक सवाल लिख देते हैं। आपको क्या करना होगा भाई, सवाल देना होगा। देखो क्या है, रेडियस आपको बोली गई है कितनी 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दी गई है 42 सेंटीमीटर, कितनी रेडियस दी गई है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल दिया गया है 60 अंश का, एंगल कितना दिया गया 60 अंश का। आपको सर्कल सेगमेंट का एरिया बताना, पूरे लैंग्वेज नहीं लिखना, ठीक है आपको बस रखना है थीटा के प्लेस में कितना रखो 60 बटे 360, पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर के प्लेस पे 42 × 42 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर, मतलब 42 × 42 और साइन थीटा, तो फिर साइन और थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 60। तो साइन 60 की देखो वैल्यू हम बता देते हैं आपको कितनी होती है, ठीक है। जिन लोगों को साइन 60 वगैरह की वैल्यू आती है उनके लिए ठीक है, और बाई चांस अगर किसी को नहीं आती तो अभी हम इसकी वैल्यू बता देते, आगे चल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, आपको √3/2 रख करके सॉर्ट आउट करना है। सुनिए आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके ना। चले हम लोग आगे बढ़े, ठीक है अब इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है सब कुछ पढ़ लोगे तो ये तो भाई बताना ही पड़ेगा ना। चलो इसको अब हम हटा देते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे क्या बोल देता है, आपके घरों के आमने सामने पार्क है तो पार्क में रास्ता बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है रास्ता, और उसी रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में हमें बात करनी होती है, क्या हमें उसी क्षेत्रफल के बारे में बात करनी होती है। तो सुनो भाई लैंग्वेज लिखने में तो टाइम लगेगा, हाँ तो हम क्या करेंगे हम आपको समझाते चलेंगे, आप उसी के साथ में लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले सर्कल में, मतलब ये है कि जो गोल आकार का, जो वृत्त आकार का पार्क आपके घरों के सामने बना होता है, बना है कि नहीं बना है, जिसपे आप लोग दौड़ने जाते हो, ठीक है कहीं दूर बना होगा लेकिन बना तो होगा ना। चलिए जरा बात करते हैं। देखो भाई सपोज कर लिया कि कोई एक पार्क है, कोई एक पार्क है, तो इस पार्क की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, तो हमने बोल दिया इस पार्क की त्रिज्या कितनी है आर है, इस पार्क की त्रिज्या कितनी है आर है। इस पार्क से बाहर की ओर, इस पार्क से बाहर की ओर W चौड़ाई का आप बोल दो, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, वहां कभी 7 सेंटीमीटर बोलेगा, कभी 14 सेंटीमीटर, कभी 14 मीटर का, ठीक है कुछ इस तरीके से रास्ता बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपको ये रास्ता थोड़ा कम लग रहा हो, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, क्यों, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ इसलिए ज्यादा कुछ कम ज्यादा कम कुछ ना कुछ लग सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, हमें क्या बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ये तब निकालना है जब वृत्त अंदर हो, मतलब वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार जो पार्क है वो कहाँ है अंदर है, ठीक है, और जो रास्ता है वो पार्क के बाहर बनाया गया, रास्ता कहां पे पार्क के बाहर बनाया गया, ठीक है। तो सुनो भाई होता क्या है, जब कभी रास्ता बाहर से बनाना हो, रास्ता कभी क्या करना हो बाहर से बनाओ, रास्ता पार्क के बाहर से बनाओ, तो फिर हम लोग लगाते हैं पाई डब्ल्यू टू आर प्लस डब्ल्यू, क्या लगाते हैं पाई डब्ल्यू टू आर प्लस डब्ल्यू, कितना लगाते हैं पाई डब्ल्यू टू आर प्लस डब्ल्यू। अब यहीं पे एक छोटा सवाल ले लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, कितनी है एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, लिखते जाना ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, इस वृत्त की इस वृत्त के बाहर की ओर 3.5 मीटर का,
कितना 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, तो बताइए उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या उस रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो फिर हम ये लगा दें क्या π/2r+w। आप अगर सॉर्ट आउट करना चाहो तो फिर भाई पहले बाहर का क्षेत्रफल फिर अंदर का क्षेत्रफल फिर आप घटाएंगे, ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्टली करो। पाई के प्लेस पे कितना रखेंगे 22/7। W मतलब रास्ता, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी 3.5। आप 3.5 को कितना लिख सकते हो 7/2, कितना लिख सकते हो 7/2, तो W के प्लेस पे आप रख दो कितनी 7/2 2 × R के प्लेस पे कितना रखोगे भाई 14 प्लस W के प्लेस पे कितना रखेंगे 7/2 रख देंगे, ठीक है, काट पीट के बराबर कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटो कितने बार 11 बार, 2 से काटो यहाँ पे भाई 4 हो जाएगा, और 4 × 14 कितना 56, और 56 + 7/2 ठीक है, इतनी बात समझ गए, दोनों को ऐड करो, 2 से भाई भाग कराओ, 2 से कटेगा नहीं तो 11 से बस गुणा करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। चलो निकाल देते हैं, वरना फिर बोलोगे कि भैया कैलकुलेशन की तो बात दो तुम्हारे सर पर रख देते हैं। 11 × 56 = 60 और 3 = 63 बटे में कितना 2, 11 से गुणा कराना है, 11 × 33 के 3 हासिल 3, और 11 × 66 = 66 कितना होता है 69 होता है, तो 693/2 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो हम जरा इसको हटा देते हैं और इस वृत्त को भी हटा देते हैं, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई रास्ता जो होता है वो पार्क के अंदर ही होता है, भाई कोई सपोज कर लो ये वृत्ताकार पार्क है, ये क्या है कोई वृत्ताकार पार्क है, तो आपसे बोल रहे हैं कि भाई इस वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है वो आर मीटर है, कितनी आर मीटर है, तो हमें करना क्या है, हमें सपोज कर लो ये बोल दिया गया कि बोला गया कि आपको क्या करना है वृत्त के अंदर ही, मतलब ये है कि पार्क के अंदर ही आपको W चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है। तो देखो भाई लो बन गया रास्ता कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा भाई, त्रिज्या जो थी पार्क जो था वो कहां था, बाहर तक था, लेकिन रास्ता जो हमें बनाना है वो पार्क के अंदर ही बनाना है। तो जब आप ये W चौड़ाई का जब रास्ता बना लेंगे तो भाई पार्क का जो एरिया हो जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना ऐसा, लेकिन ठीक है चलो, हमें क्या करना है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कब, जब रास्ता वृत्त के अंदर बना हो, कब, जब रास्ता वृत्त के अंदर बना हो, तो जब रास्ता अंदर से होगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे π/w, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे जब बाहर से बना था तो π/w 2r + w किया था, यहां पे क्या करेंगे π/w 2r - w करेंगे, क्या करेंगे π/w 2r - w करेंगे, ओके ना। तो यहीं पे आप छोटा सा एक सवाल जोड़ लेना अपनी बुक में, क्या कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 मीटर हो, क्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो 42 मीटर हो, तथा उस वृत्त के उस वृत्ताकार पार्क के अंदर भी 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना हो, क्या 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना हो, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, क्या उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, तो पाई के प्लेस में 22/7 रखोगे, W के प्लेस में हम कितना रखेंगे भाई 7 रखेंगे, 2r × r के प्लेस पे कितना 42 - w, w के प्लेस पे कितना 7 रखोगे, तो 42 × 2 कितना होता है 84 में 7 घट जाएगा, तो 84 में 7 घटाओगे कितना बचेगा 77, और 77 × 7 = 7 ये घट जाएगा, और यहाँ पे कितना 22 का गुणा बस 77 में कराना, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और, दो-दो डिजिट का हमने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया हुआ है, दो-दो डिजिट का हमने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, तो मल्टीप्लिकेशन की जो क्लास है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा तो मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़े तो इसको हम जल्दी से हटा देते हैं। चलिए भाई अब हम जरा बात करने वाले हैं किसके बारे में, अच्छा सर्कल के, तो एरिया के बारे में, सर्कल में जो रास्ता बनता है उसके एरिया के बारे में तो बात हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं आयत के, आयत में, क्योंकि पार्क सिर्फ वृत्ताकार ही थोड़ा नहीं होता है, पार्क जो होता है वो आयताकार भी तो होता है, तो हम लोग आयत के आकार में बात कर लेते हैं। अच्छा ये सपोज कर लो कोई पार्क दे दिया गया है आयत के आकार का, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है B है, चौड़ाई कितनी दी है B दी हुई है,
तो हमें क्या करना है, डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता एक बाहर बनाना है, डब्ल्यू चौड़ाई का एक रास्ता हमें बाहर बनाना है। तो अगर हमसे ये रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेता है, कब, जब रास्ता बाहर से हो, जब रास्ता कहां से हो, बाहर से हो, तो बाहर का क्षेत्रफल क्या बनेगा, देखो 2WL + B + 2W कितना होगा, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पे शायद 2W की कंडीशन नहीं बनेगी, यहां पे ये L B W W, हाँ ठीक है 2W बनेगा, कितना बन रहा है 2WL + B + 2W, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलो जरा यही भी एक सवाल ले लेते हैं, सपोज कर लो किसी आयत की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वो कितनी है 10 मीटर है, हाँ, इस वृत्त इस आयत के इस आयताकार पार्क के चारों ओर W चौड़ाई का एक आयता एक रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे W के प्लेस पे हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, भाई 7 मान ली, कितनी मान ली 7, तो जल्दी से रख दो 2 × 7, L के प्लेस पे कितना 20, B के प्लेस पे कितना 10 प्लस 2 × W के प्लेस पे कितना रख दोगे भाई 7 रख दोगे, सॉर्ट आउट कर लो, 7 × 14 20 और 10 30 और 7 × 14 14 और 30 कितना हो जाएगा 44, गुणा किसमें कराना है 14 का गुणा 44 में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हम दूसरा भी सवाल बना लेते हैं, ठीक है, आपकी कंडीशन ये है कि सपोज कर लो रास्ता कहां पे हो, रास्ता हमें अगर अंदर बनाना पड़ जाए, रास्ता में कहां बनाना पड़ जाए, अंदर बनाना पड़ जाए, तो अंदर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अच्छा ये बताओ ये कितनी है, सॉरी अभी हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, अब क्या होगा, ये सपोज कर लो पार्क दिया, ये क्या है पार्क दिया, ये जो लंबाई है वो एल दी है और ये जो चौड़ाई दी है ये बी दी है, ठीक है, हमें क्या करना है इसके अंदर एक डब्ल्यू चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है, ठीक है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू लग नहीं रही होगी, ये बब्लू लग रही होगी, लेकिन ये डब्ल्यू है, हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है, हाँ, तो देखो भाई हम कैसे निकालते हैं, अच्छा अभी अभी आपने जब रास्ता बाहर से पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2WL + B + 2W, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे रास्ता अंदर होगा, कहां पे रास्ता जब अंदर होगा, तो अंदर होने के केस पे क्या है 2WL + B माइनस का 2W लग जाएगा, क्या माइनस का 2W लग जाएगा, ओके ना, अब यहां पे अगर कोई भी सवाल आता है तो फिर आप मेरे ख्याल से बता लेंगे, कंफर्म है ना, ठीक है, तो यहां पे सवाल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप तो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो एक सवाल जरूर लिखिएगा, एक आयत एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है, कितनी है 20 मीटर तथा 15 मीटर, इस आयताकार खेत के चारों ओर चारों किनारों पे अभी चारों ओर एक W चौड़ाई की एक मेड़ बनानी, अब W के प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं 3.5 मीटर, कितनी 3.5 मीटर की सड़क बनानी है, मेड़ बनानी है, ठीक है 3.5 मीटर की मेड़ वैसे बहुत हो जाएगी, हाँ इतने में तो किसान काट काट के बराबर कर लेगा और बोल लेगा ठीक है हम इस पे खेती कर लेंगे, तो देखो 3.5 को हम लोग 7 मीटर दूर रख सकते हैं, आपको क्या करना है इस पर रखो और शॉर्ट आउट करो, आंसर निकाल लेना, कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो भाई सुनो, अब अगली कंडीशन होता क्या है, जैसे कि कभी कभी आप पार्क जाते हो किसी आयताकार पार्क में, तो इस आयताकार पार्क में होता क्या है भाई, रास्ता जो होता है वो बीचों बीच होता है, रास्ता क्या है बीचों बीच कटा होता है, होता है, तो आपसे क्या बोलता है इस रास्ते का भाई क्षेत्रफल बता दो, क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल बता दो, ये लंबाई आयताकार पार्क की L दे दीजिए, चौड़ाई आयताकार पार्क की B दे दीजिए, तो आपसे सिर्फ सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बता देता है, रास्ते का क्षेत्रफल बोलता है, तो सुनो भाई जब क्रॉस पाथ बनाओ, कैसा जब क्रॉस पाथ वाला रास्ता बनाओ, तो क्रॉस पाथ में रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, अच्छा अभी आपने क्या किया था 2WL + B + 2W का यूज किया था ना, अभी हमें यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है W L + B + W या फिर माइनस W, एक सेकंड रुक में सोच लेते हैं क्या होता है, यहां पे ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा W L + B - W, ओके चलो भाई अब सॉर्ट आउट, यहां ध्यान रखना प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि यहां पे ये वाला जो सेक्शन है ये दोनों में नहीं जुड़ेगा, एक में जुड़ेगा, अगर आप ये वाला रास्ता ले रहे हैं
तो ये वाला ऐड हो जाएगा, और जब आप ये वाला लेंगे तो इस पार्ट को हम फिर से नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस डब्ल्यू काम करेगा, वहां पे टू डब्ल्यू का केस चल रहा था, यहाँ पे आप क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू का केस चलेगा, मतलब वन डब्ल्यू का, वहां पे टू डब्ल्यू चल रहा था। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। सपोज को यही पर सवाल बोल दिया कि किसी आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 100 मीटर, 100 मीटर वैसे बहुत हो जाता है, और तथा जो चौड़ाई है वो 70 मीटर है। यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें 10 मीटर चौड़ा एक क्रॉस पाथ बनाना है, ठीक है। एक लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश, बीचों बीच। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी रखोगे 10, L की वैल्यू कितनी रखोगे 100, और B की वैल्यू कितनी रखोगे 70, और माइनस का W, W के बेस पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सब आपको क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है। 100 और 70 कितना 170, 170 में 10 जाएगा कितना 160, और 160 का गुणा बस 10 में कर लेना, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब जरा एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है आपको इतनी इतनी चीजें दी हुई थी, ठीक है, लेकिन होगा क्या आपसे बोल देगा कि रास्ते का क्षेत्रफल नहीं बताना है, ठीक है। रास्ता छोड़कर शेष बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता छोड़कर शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। तो देखो भाई ये L दिया है, ये B दिया है, हमने मान लिया कि ये W चौड़ाई का रास्ता है, कितने W चौड़ाई का है। तो आप क्या करेंगे भाई, हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला है, तो L में से हम भाई W घटा दें, L में से क्या करते हैं W घटा दें, और इस B में से भी हम ये W घटा दें और उनका आपस में गुणा करा दें, क्या L माइनस W इंटू B माइनस W, यही रास्ता छोड़ करके शेष बचे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा इसी केस पे। तो सपोज कर ले ये भी छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ, तो वही चीज कि ये 100 मीटर, ये 70 मीटर, और अच्छा वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते, ये कर लो भाई 50 और ये कर लो 80, ठीक है, और ये जो है इसको 10 ही रहने दो। तो W की वैल्यू कितनी है 10, तो रास्ता छोड़ करके शेष बचे भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो भाई लंबाई कितनी थी 80 थी, और W कितना है 10 है, और B कितनी है 50 थी, 50 में कितना 10 घटा दो, 50 में 10 घटा दो 40, और 80 में 10 घटा दो कितना 70, 700 के 28 1080 2800 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका क्या आंसर आ गया। चलिए मेरे ख्याल से इतनी जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं वो काफी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की जो क्लास है वो भी काफी पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें हमने कराई हैं उनका आप बैक टू बैक रिवीजन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि है क्या आप लोगों ने पिछली वाली चीजें पढ़ रखी है और उसके बाद धीरे धीरे भूलते भी चले जा रहे हैं। हाँ तो भूलिएगा नहीं, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।